हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मैंने बलिनो और एक्स्टर दोनों को कंपेयर किया था मेरे पिछले वीडियो में। वहां पे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि आप फ्रॉन्ग्स को कंपेयर कीजिए एक्स्टर के साथ, दैट मेक्स मोर सेंस। देन आई रियलाइज ये करना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर फ्रॉन्ग्स एंड एक्स्टर। आपको मैं बताने वाला हूँ इन दोनों कार में आपको कौन सा लेना चाहिए। एक्स्टर इज़ अ वंडरफुल कार, नो डाउट। इसका रिव्यू वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था थोड़े दिन पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। और आज हम बात करेंगे फ्रॉन्ग्स के बारे में और एक्स्टर के बारे में, और दोनों को कंपेयर करेंगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 10 लाख के अंदर आपके लिए बेस्ट कार कौन सा है। ठीक है, शुरू करता है। आपको मैं बता देता हूँ कि फ्रॉन्ग्स और बलिनो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आने वाले दिनों में मैं इन दोनों कार को भी कंपेयर करूँगा, दैट इज़ बलिनो एंड फ्रॉन्ग्स। और आपको मैं बताऊँगा कि आपको कौन से कार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है और वेरिएंट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फीचर्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एक्स्टर और सुजुकी फ्रॉन्ग्स की हम बात करें तो दोनों में 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, बट आपको फ्रॉन्ग्स में 1 लीटर टर्बो का इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो एक्स्टर में अभी नहीं है। मे बी इन द फ्यूचर दे कुड मेक दिस ऑप्शन अवेलेबल फॉर कस्टमर, बट इस टाइम पे आपको ओनली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है एक्स्टर में। प्राइस की बात करें तो फ्रॉन्ग्स स्लाइटली चीपर, क्योंकि फ्रॉन्ग्स में उतने वेरिएंट्स नहीं है नेचुरली एस्पिरेटेड में जितने एक्स्टर है। तो टॉप मॉडल अगर डेल्टा प्लस हम कंपेयर करेंगे उनके SX मॉडल के साथ, देन आई थिंक दैट वुड मेक सेंस। और फीचर्स के मामले में एक्स्टर हैवीली स्कोर्स, बट एज ओवरऑल विच कार इज़ बेटर आज आपको मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू कंपेयर इट इन एवरी कैटेगरी। इंजन में लाइक आई सेड दे आर बोथ द सेम इंजन। एक्स्टर में कापा 1.2 लीटर मिलता है और फ्रॉन्ग्स में के सीरीज का क्रू 1.2 लीटर का इंजन आपको देखने को मिलता है। बोथ आर 4 सिलेंडर्स। लेंथ में फ्रॉन्ग्स बेटर है, 3995 mm का कार है। इट्स ए बिगर कार, इट्स ऑलमोस्ट 4 मीटर कार। और हुंडई एक्स्टर इज वेरी कॉम्पैक्ट कंपेयर टू फ्रॉन्ग्स लेंथ में। और विड्थ की बात करें, अगेन फ्रॉन्ग्स इज वाइडर देन एक्स्टर, तो लेंथ और विड्थ दोनों फ्रॉन्ग्स स्कोर्स हाई। हाइट की बात करें, दिस इज एन एरिया वेयर एक्स्टर स्कोर्स हायर, क्योंकि ये टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आता है, सो एक्स्टर स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। और व्हील बेस जो है वो भी फ्रॉन्ग्स का बेटर है, 2520 टू बी एग्जैक्ट। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको फ्रॉन्ग्स में बेटर देखने को मिलता है। द ओनली एरिया इन टर्म्स ऑफ पेपर जहाँ पे एक्स्टर स्कोर करता है वो है उसका हाइट। हाइट एक्स्टर का बेटर है, तो आपको हेडरूम थोड़ा बेटर देखने को मिलना चाहिए एक्स्टर में, एंड वो आपको देखने को मिलता है। और बट जब आप अंदर बैठते हो इट इज़ नॉट अ मेजर डिफरेंस, क्योंकि फ्रॉन्ग्स इज ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। सो ऑन पेपर फ्रॉन्ग्स क्लियरली विंस। तो यू डोंट बाई कार जस्ट बाई लुकिंग इन द स्पेसिफिकेशंस, राइट? हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें कंपेयर भी करते हैं। 6 एयरबैग का ऑप्शन आपको मिलता है एक्स्टर में। सेफ्टी की बात करें, बोथ कार्स आर नॉट टेस्टेड। मुझे पर्सनली लगा कि एक्स्टर फील्स मोर सॉलिड। डोर थोड़े से हैवी लगते हैं, दरवाज़ा जब आप बंद करते हो एक सॉलिड सा फील आता है, जो मुझे फ्रॉन्ग्स में नहीं आया जितना एक्स्टर में है। आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक बेटर टच स्क्रीन सिस्टम, एक बेटर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इन फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है एक्स्टर में। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो एक्स्टर इज स्लाइटली बेटर। वारंटी ऑन एक्स्टर इज स्लाइटली बेटर, और यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी का भी प्लान मिलता है, विच इज़ हुंडई का एक्सटेंशन प्लान। ऐसे मारुति का भी उतना बुरा नहीं है, दे ऑल्सो ऑफर लॉट ऑफ वारंटी एक्सटेंशंस। तो ये है स्पेसिफिकेशन। अभी मैं ड्राइव फील के बारे में बात करता हूँ, वॉट आई फेल्ट वन आई ड्रो बोथ दीज कार्स बैक टू बैक। मुझे पर्सनली फ्रॉन्ग्स डिसअपॉइंटिंग लगा, सो लेट मी एलैबोरेट। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ व्हाई आई फेल्ट दैट वे। जो फ्रॉन्ग्स हैं वो मुझे लिटरली बलिनो जैसे लगा। मैं जब बाहर से देखा तो इट फेल्ट बिगर, वाइडर, हायर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये आपको SUV फील देगा। क्रॉसओवर टाइप का डिज़ाइन है, प्रॉपर SUV, वो जीप वाला डिज़ाइन नहीं है। बट व्हेन यू सिट इन द ड्राइवर सीट आपको बोनेट दिखाई देता है, स्लाइटली मोर कमांडिंग पोजिशन देन बलिनो, बट ये उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मारुति इस पे काम कर सकता था, दे हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट। बट इंजन के पावर की बात करें, नथिंग कैन बीट द 1.2 लीटर इंजन दैट मारुति ऑफर्स। इसमें ड्यूल जेट का टेक्नोलॉजी आता है,
पावर के साथ माइलेज मिलना इज अ बिग बिग फैक्टर इन इंडिया, एंड यहाँ पे आपको वो देखने को मिलता है मारुति के इंजन में. द लोअर एंड इज एक्सलेंट, राइट फ्रॉम द बॉटम एंड आपको बहुत अच्छा पावर देखने को मिलता है, लीनियरली स्प्रेड आउट टिल द टॉप एंड. मिड रेंज भी स्ट्रॉन्ग है, टॉप एंड भी स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं है कि एकदम मिड रेंज तक पावर आता है और टॉप एंड तक ब्रेक होने लगता है. ऑल द वे टिल द टॉप एंड रेव्स वेरी फ्रीली, वेरी स्मूथ. ये एक ऐसा चीज़ है जो मुझे मारुति के इंजन में बहुत ज़्यादा पसंद है. वो टिपिकल रेव फ्रेंडली नेचर होते हैं जो जापनीज इंजन के होते हैं, वो आपको मारुति में देखने को मिलता है. आई एब्सोल्युटली लव दिस इंजन, और मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इस सेगमेंट में कोई भी ऐसे इंजन नहीं बना सकता है. द ओनली इंजन दैट कम्स वेरी क्लोज इज हुंडई का इंजन. हुंडई का जो कापा 1.2 लीटर है इज वेरी स्मूथ, राइट फ्रॉम द बॉटम एंड इट इज़ गुड. मिड रेंज स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम एरियाज और स्पॉट्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा लैक फील होता है, विच इज नॉट देयर इन मारुति. बोथ दीज इंजन्स आर सुपर रिफाइंड इन आइसोलेशन, दे आर वेरी गुड इंजन्स. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन अच्छा नहीं है. बट पावर के मामले में मुझे चूज करना होता, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर मारुति के K सीरीज 1.2 लीटर इंजन. NVH, नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस. मेजर जो टच पॉइंट्स है, स्टेयरिंग व्हील है, आपके ABC पेडल्स है, और उसके बाद आपका गेयरबॉक्स है, और आपका जो आर्मरेस्ट है ड्राइवर का वो एरिया भी है, सीट को भी हम कंसिडर करते हैं. कोई भी एरिया में जो मैंने आपको टच पॉइंट बोला है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होता दोनों कार में, क्योंकि इस सेगमेंट में दीज ब्रांड्स डोंट प्ले अराउंड. फोर सिलेंडर इंजन्स है, स्मूथ है, रिफाइंड है, और NVH को लेके कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. जब आप आइडलिंग करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बोथ दीज फोर सिलेंडर इंजन्स. NVH दोनों को मैं इक्वल पॉइंट दूंगा. क्लच की बात करें तो एक्स्टर इज सो मच बेटर, क्योंकि एक्स्टर का क्लच बहुत लाइट है और सिटी में चलाने के टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इट्स अ टास्क. ओके, वेरी सॉफ्ट एंड ईजी टू कंट्रोल क्लच, स्पेशली जो बिगिनर्स है या जो कैजुअल ड्राइवर्स है जो नॉर्मली कम्यूट करना चाहते हैं सिटी में. ट्रैफिक कंडीशन में भी क्लच एक्स्टर का थोड़ा सा बेटर है, बट फ्रॉन्क्स का जो क्लच है इज ऑल्सो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर दोनों के क्लच को कंपेयर करते हो एक्स्टर इज बेटर. रिलायबिलिटी की बात करें तो दोनों इंजन रिलायबल है. ओनली इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों आर प्रूवन प्रोडक्ट्स, बट स्लाइट एज गोज टू मारुति क्योंकि उनके इंजन्स आर नोन फॉर रिलायबिलिटी. कोई इश्यूज आते ही नहीं है लॉन्ग टर्म में. सो आई फेवर मारुति के इंजन रिलायबिलिटी. माइलेज की बात करें, यू नो द आंसर, मारुति का जो फ्रॉन्क्स है दैट क्लियरली विंस. ये बेटर माइलेज ऑफर करता है आपको. हाई ट्रैफिक कंडीशंस में आपको कभी सिंगल डिजिट नहीं देगा ये, और एक्स्टर आपको सिंगल डिजिट दे सकता है. 10, 11, 12 तक माइलेज आपको देगा नॉर्मल या मॉडरेट ट्रैफिक में, जहाँ पे फ्रॉन्क्स आपको 2 या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा दे सकता है, 14 तक दे सकता है, 15 भी देगा. एंड इन द सिटी ऑन द हाईवे आपको 20 के ऊपर देगा, दैट इज़ फ्रॉन्क्स. सो माइलेज के मामले में मारुति, माइलेज के बारे में सोच रहे हो, गो टू नेक्सा डीलरशिप. ड्राइवेबिलिटी मतलब ट्रैक्टेबिलिटी, कितना ईजी है इसके इंजन को समझने के लिए. दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जर्क नहीं लगता है, या आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए कि इंजन को कैसे कंट्रोल करना है. एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा के जो 3 सिलेंडर इंजन्स होते हैं वो थोड़े से जर्की होते हैं, स्मूथ नहीं होता है. सो वहाँ पे आपको पता चलता है कि द इंजन ऑन बोथ दीज कार्स आर वेरी ईजी ट्रैक्टेबल. मतलब आप हायर गियर पे लो स्पीड भी करते हो तो इंजन नॉक नहीं होता है, तो आपको डाउन शिफ्ट करना रहता है. आराम से आप सिटी में पूरा दिन चला सकते हो विदाउट शिफ्टिंग टू मच, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ बोथ दीज इंजन्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ओवरऑल इंजन में, अगर ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो विच इज़ द बेटर वन. इट्स क्लियरली मारुति का इंजन, बिकॉज आपको परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी मिलता है, विच इज़ अ डिफिकल्ट टास्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर फ्यूल प्राइजेस बढ़ रहे हैं. और जहाँ फ्यूल प्राइजेस बढ़ रहे हैं, आपको ड्राइविंग प्लेजर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. मारुति क्लियरली विंस अकॉर्डिंग टू मी. इंजन रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 10 आई विल रेट 9 फॉर मारुति सुजुकी, और यहाँ पे हुंडई को मैं 8 या 8.5 तक रेट करूँगा. बोथ इंजन्स आर वंडरफुल, दोनों में कोई भी इंजन ऑप्ट करो आपको कभी नहीं लगेगा कि दे आर नॉट गुड.
बट फ्रॉम्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन है, इट फील्स अमेजिंग इन द हायर रेंज। मैं उसको कंपेयर नहीं करूँगा आज, क्योंकि एक्स्टर में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है, सो इट्स बेटर वी डू नॉट कंपेयर। बट अगर आपको एंथुजियास्टिक वे में चलाना है, देन आई थिंक बूस्टर जेट इज़ द वन दैट यू शुड गो फॉर। कंफर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सस्पेंशन में सिटी की बात करें, एक्स्टर क्लियरली विंस। सारे बम्स आपको पता ही फील ही नहीं होगा बिल्कुल भी। वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन, बट ये जो सॉफ्ट सस्पेंशन है काफ़ी फ्लोटी लगता है हाईवे में, जब फ्रॉम्स बेटर परफॉर्म करता है। तो सिटी में एक्स्टर इज बेटर, मोर कम्फर्टेबल, बट फ्रॉम्स इज़ वेरी क्लोज, एंड इन हाईवे फ्रॉम्स इज अ क्लियर विनर। तो सिंस फ्रॉन्ग्स इज नॉट बैड इन बोथ दीज कंडीशंस, तो फ्रॉन्ग्स इज अ विनर इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। इट्स मोर बैलेंस्ड, आई फील इट फील्स मोर फ्लैट इवन ऑन हाईवेज, एंड आपको बेटर लगेगा उसका सस्पेंशन। सीट्स की बात करें तो सीट्स ऑल्सो फ्रॉन्ग्स इज बेटर, इट्स वाइडर, बिगर सीट्स। जो ग्रैंड आइट है नियोस में जो सीट्स अवेलेबल है, वही सीट आपको एक्स्टर में देखने को मिलता है, और जो बलेनो में आपको सीट्स मिलता है वही सीट आपको फ्रॉन्ग्स पे देखने को मिलता है। सो बोथ दीज कार्स कम इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। बलेनो के सीट्स आर बिगर, आप बैठ के देखो दोनों में, आपको तभी पता चलेगा। साइड सपोर्ट में बेटर है बलेनो और फ्रॉन्ग्स के सीट, आप एक बार ड्राइव करो तब आपको पता चलेगा। द अंडर थाई सपोर्ट इज बेटर, एंड ऑल्सो द ओवरऑल शोल्डर रूम एंड सेंस ऑफ स्पेस ऑल्सो इज बेटर इन फ्रॉन्ग्स। तो सीट्स की बात करें, फ्रॉन्ग्स इज अ क्लियर विनर। डायनामिक्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इर्गोनॉमिक्स, नॉट डायनामिक्स, इर्गोनॉमिक्स की बात करें, बोथ दीज कार्स आर एक्सलेंट, बोथ आई विल स्कोर 10 out of 10, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे ड्राइविंग पोस्चर नहीं मिल रहा है, कैसे बैठना है, स्टेयरिंग को ऊपर नीचे करना है, सीट को आगे पीछे करना है, एक प्रॉपर पोजिशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको। 5 से 10 मिनट मैक्स सेट हो जाओगे आप दोनों कार में। इंटीरियर की बात करें तो कंफर्ट वाले फीचर्स आपको एक्स्टर में देखने को मिलते हैं। यू गेट मोर फीचर, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है दैट फील्स मोर प्रीमियम। एक्स्टर इज अ क्लियर विनर हियर, आपको फील गुड वाले फीचर्स एक्स्टर में मिलते हैं, सो दैट मेक्स द इंटीरियर अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और अगर हम इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो एक्स्टर इज ऑन अदर लेवल। मैंने पहले भी आपको बोला है कि एक्स्टर के इंटीरियर का जो क्वालिटी है दैट इज सो मच बेटर देन एनी अदर कार इन द सेगमेंट। सो क्लियर विनर एक्स्टर हियर, बोथ इन इंटीरियर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन में मैं बाद में बात करूँगा। स्टेयरिंग फीडबैक की बात करें तो स्टेयरिंग फीडबैक में दोनों कार्स आर नॉट दी बेस्ट। आई स्टिल फील कि टाटा के कार्स इन दोनों कार से बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्टेयरिंग रेस्पॉन्स एंड फीडबैक। बट फीडबैक की बात करें तो फ्रॉन्ग्स स्लाइटली बेटर फीडबैक देता है। जो स्टेयरिंग का कंट्रोल है इवन एट हायर स्पीड, जो वेट जिस तरह से बिल्ड होता है वो एक्स्टर में थोड़ा बेटर है, बट जो फीडबैक आता है वो मुझे फ्रॉन्ग्स में थोड़ा बेटर लगा। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग, बोथ दी स्टेयरिंग्स आर ओके, वन हैज़ बेटर वेट, दी अदर वन हैज़ बेटर फीडबैक, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज फीडबैक ऑन द हाईवे, वो मुझे फ्रॉन्ग्स में थोड़ा सा बेटर लगा। इवन जब आप यू टर्न लेते हो द स्टेयरिंग डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वेरी क्विकली, सो जो डेड सेंटर है वो भी आपको दोनों कार में देखने को मिलेंगे। Steering is okay in both these cars and I would rate both of these cars 6.5 out of 10 for their steering wheel. दोनों brands ने बहुत ज़्यादा काम किया, उनके पुराने steerings तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ये जो car है उनसे बहुत ही ज़्यादा better है। Visibility की बात करें, फ्रॉन्ग से better है एक्स्टर, क्योंकि एक्स्टर का जो visibility है मुझे personally better लगा। ये reverse लेने के time भी आप clearly देख सकते हो, you can see everything very clearly, the windows feel very large. So visibility is good in both these cars, but I would rate 8.5 out of 10 for Exter or 7 out of 10 for Fronx. और एक और बात ये है कि आपको Fronx में कैमरा देखने को नहीं मिलता है डेल्टा प्लस टॉप वेरियंट 1.2 लीटर के इंजन में, सो विजिबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा noticeable है। सो आई थिंक दैट इज एन एरिया वेयर अगेन Exter स्कोर्स मच हायर। तो कंफर्ट की बात करें तो आई वुड रेट अराउंड 8 आउट ऑफ 10 फॉर फ्रॉन्ग्स एंड 7.5 आउट ऑफ 10 फॉर एक्स्टर। कंफर्ट के मामले में एक पॉइंट एक्स्टर बेटर स्कोर करता है, वो है सस्पेंशन सिटी में, क्योंकि ख़राब रास्तों में चलाने के टाइम आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा एक्स्टर। इन ऑल अदर एरियाज फ्रॉन्ग्स क्लियरली विंस। अभी डायनामिक्स की बात करते हैं। डायनामिक्स इज हाउ यू फील व्हेन यू ड्राइव द कार, किस तरह से उसका चैसी रेस्पॉन्ड करता है, ब्रेक्स कैसे हैं,
हैंडलिंग कैसा है स्पीड पर? हैंडलिंग की बात करें तो दोनों कार्स अच्छे हैं, ठीक है हैंडल करने के लिए, बट इन द सिटी इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल एक्स्ट्रा, बट फ्रॉन्ग स्लाइटली बेटर फील होता है जब व्हेन यू आर गोइंग एट अ हायर स्पीड एंड ट्राइंग टू टर्न द कार, इट फील्स मोर पॉइज्ड. जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा बेटर फील होता है फ्रॉन्ग्स में. आई डोंट नो व्हाई, आई ट्राई टू ड्राइव इट ट्वाइस और थ्राइस, मुझे फ्रॉन्ग्स थोड़ा बेटर लगा. ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स दोनों कार्स के अच्छे हैं, एक्स्टर का स्लाइटली बेटर है. तो ब्रेक्स की बात करें, एक्स्टर स्लाइटली बेटर स्कोर करता है. डिफरेंस की बात करें तो एक्स्टर इफ इट स्कोर्स 8 out of 10, देन फ्रॉन्ग स्कोर 7 out of 10. नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट एक्स्टर के ब्रेक्स मुझे थोड़े से बेटर लगे. बट जो डाइव होता है वो एक्स्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि द सस्पेंशन इज सॉफ्ट. तो हाँ, सस्पेंशन जो फीडबैक है फ्रंट एंड से वो उतना अच्छा नहीं है, बट ब्रेक्स आई एम श्योर अच्छे से काम करते हैं कंपेयर टू फ्रॉग्स. नेक्स्ट स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी दोनों कार्स दे आर नॉट वेरी गुड और ग्रेट, आई कुड से दे आर गुड. फ्रॉग्स 80 तक ठीक लगता है, 80 के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये गाड़ी बहुत लाइट है. कंपेरेटिवली एक्स्टर बेटर लगता है, तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू एक्स्टर. स्टेबिलिटी की बात करें, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, बोथ कार्स आर नॉट ग्रेट, बट एक्स्टर स्लाइटली बेटर है फ्रॉन्ग्स के कंपेरिजन में. तो अगर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की बात करें, ट्रिपल डिजिट स्पीड फ्रॉन्ग्स स्कोर, सो मे बी स्टेबिलिटी में फ्रॉन्ग्स को अगर मैं 8 out of 10 दूंगा तो मैं फ्रॉन्ग्स को 6.5 out of 10 दूंगा. ओके, सो एक्स्टर विंस. चैसी एक आता है हार्डटेक प्लेटफॉर्म के साथ जो बलिनो में यूज़ करते हैं वो, और दूसरा है आपका जो टिपिकल प्लेटफॉर्म है जो मॉडिफाइड है, जो आपको ग्रैंड राइटर नियोस में देखने को मिलता है. दिस चैसी ऑफ जो चैसी दोनों कार्स में अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो काफ़ी लाइट है. आपको सिटी में चलाने के टाइम यू विल फील कि बोथ आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. ख़राब रास्तों में अच्छे से परफॉर्म करते हैं. सो चैसी गुड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, बट रियली बैड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी. मे बी दिस कुड चेंज फॉर एक्स्टर, क्योंकि एक्स्टर मुझे थोड़ा सा सॉलिड लगा कंपेयर टू एनी अदर हुंडई कार. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हुंडई ने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया है इस प्लेटफॉर्म को. बट मारुति का जो प्लेटफॉर्म है, इट फील्स लाइट, इट फील्स वंडरफुल टू ड्राइव इन द सिटी, काफ़ी अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के मामले में, बट does not work very well on highway. So आप ही डिसाइड कर लीजिए आप कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है, बट ओवरऑल मैं आई थिंक एक्स्टर को थोड़ा सा हाई रेट करूँगा यहाँ पर. बॉडी कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी कंट्रोल में डेफिनेटली फ्रॉन्ग्स बेटर स्कोर करता है, क्योंकि द कार फील्स अ लिटिल टाइटर कंपेयर टू एक्स्टर इन टर्म्स ऑफ हाई स्पीड. तो यहाँ पर स्कोर करता है फ्रॉन्ग्स. सो बॉडी कंट्रोल में भी फ्रॉन्ग्स स्कोर करता है. तो इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स ओवरऑल मुझे लगता है कि फ्रॉन्ग्स इज स्लाइटली बेटर. आपको ब्रेक्स बेटर देखने को मिलता है एक्स्टर में. चैसी है वो कंफर्टेबल लगता है एक्स्टर, बट इन अदर एरियाज फ्रॉन्ग्स इज स्लाइटली बेटर. इट्स मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एंड डायनामिक्स. तो मैं यहाँ पर फ्रॉन्ग्स को बेटर पॉइंट दूंगा. तो इंजन में फ्रॉन्ग्स हैज स्कोर्ड एंड कम्फर्ट एक्स्टर हैज स्कोर्ड. डायनामिक्स ऑल्सो फ्रॉन्ग्स हैज स्कोर्ड अगेन. तो अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन में ये स्कोर करेगा तो देखते हैं, बिकॉज डिज़ाइन जो है वो एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है. अगर मुझे आप एक्स्टर पसंद आता है तो मे बी आपको फ्रॉन्ग्स पसंद आएगा, बट मुझे, मैं आपको बता देता हूँ डिज़ाइन में मेरे प्रेफरेंसेस क्या है. दोनों अच्छे रोड प्रेजेंस ऑफर करता है, रियली रियली गुड रोड प्रेजेंस. मुझे लगता है फ्रॉन्ग्स ब्लैक कलर में बहुत अच्छा लगता है, एंड ऑल देयर डार्क कलर्स में इट लुक्स रियली नाइस. एक्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा बिजी लगता है, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें कि मे बी वो यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बट उसका जो लाइफ है इस डिज़ाइन का मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी एज हो जाएगा. एक्स्टर की बात कर रहा हूँ मैं. आप फ्रंट एंड में देखते हो इट लुक्स नाइस, देन आप रेयर एंड में वही ऐसे ही डिज़ाइन प्रेफर करते हो, बट इन रेयर एंड कुछ और ही हो रहा है. तो वो यूनिफॉर्मिटी मुझे नहीं लगा, फील नहीं हुआ. और इतने एलिमेंट्स है, ब्लैक एलिमेंट्स है, कलर्स है, इतने कलर कॉम्बिनेशंस है, एंड कार भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है. सो वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं टू मेक दिस कार लुक बिगर एंड हैव अ बेटर रोड प्रेजेंस, बट मुझे पर्सनली लगा कि इट एंड्स अप लुकिंग ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि फ्रंट एंड बहुत अच्छा लगता है विद द DRLs, लुक्स रियली नाइस, बट द रेयर लुक्स फ्लैट और अजीब सा लगता है मुझे पर्सनली.
साइड से आप देखते हो तो ठीक लगता है. सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस बट इट्स नॉट अ बैड लुकिंग कार बाय एनी मीन्स. काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है. मुझे पता है डिज़ाइनर्स ने कितना काम किया, क्योंकि इतने छोटे कॉम्पैक्ट कार में इतने डिज़ाइन एलिमेंट्स को ऐड करना और डिज़ाइन करना इज नॉट ईजी. सो इट स्कोर्स वेल एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद आएगा. बट यहाँ पे अगर आप फ्रॉन्क्स की बात करते हो ना, फ्रॉन्क्स इज वेरी वेरी गुड लुकिंग कार मेरे हिसाब से. काफ़ी क्लासी लगता है और जो रेयर एंड है ना फ्रॉन्क्स का, वो एग्जैक्टली मैच करता है फ्रंट एंड से. वाइड कार है और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा बिकॉज दे हैड मोर एरिया टू वर्क. इट्स अ वाइडर कार, इट्स अ बिगर कार, लेंथ में भी बड़ा है तो वो एक अच्छा लुक भी देता है. तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, सो काफ़ी एक स्पोर्टी सा लुक है राइट फ्रॉम द बैक साइड फ्रंट कहीं से भी देखो. एंड इट लुक्स मच बेटर देन बलिनो, एंड बलिनो इज ऑलरेडी अ गुड लुकिंग कार. इन एक्सटीरियर फ्रॉन्क्स बेटर लगता है. और अगर आप कलर ऑप्शंस की बात करते हो तो दोनों में अच्छे कलर ऑप्शंस तो है, बट एक्सटर में जितने आपको कलर ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको फ्रॉन्क्स में देखने को नहीं मिलेगा. यू हैव सो मेनी कलर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. ट्रिम्स की बात करें, आपके जो वेरिएंट्स, जितने वेरिएंट्स आपको एक्सटर में देखने को मिलता है वो उतने यहाँ पे आपको फ्रॉन्क्स में देखने को नहीं मिलेगा. बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है. फीचर्स की भी बात करें बहुत लिमिटेड है. सो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि एक्सटर, जितने भी बजट है सारे बजट में आपको एक्सटर का एक ट्रिम वेरिएंट मिलेगा, जो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सारे ब्रांड्स को करना चाहिए ये. बट ये एक अजीब सा इनका वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे डेल्टा प्लस के बाद सीधा आपको 1 लीटर टर्बो पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. सो मेरे हिसाब से वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है. और जो डेल्टा प्लस टॉप वो वेरिएंट है 1.2 लीटर के साथ, वो बहुत बेसिक लगता है एंड लुक्स डेटेड एज वेल. सो कलर ऑप्शंस एक्स्टर, वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे एक्स्टर का बेटर लगा. इंटीरियर का डिज़ाइन क्वालिटी बहुत अच्छा है एक्स्टर का. एंड हाँ, आपको वाइड और स्पेशियस फील नहीं होता है, बट एक्स्टर का जो पैनल्स है, जिस तरह से उन्होंने फिट किया है, जो कलर्स उन्होंने अंदर यूज़ किया है, फील्स प्रीमियम. एंड आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट है डिसाइड करना कि विच वन इज़ बेटर, क्योंकि डिज़ाइन के मामले में आई प्रेफर फ्रॉन्क्स, बट क्वालिटी के मामले में और फिट फिनिश के मामले में आई प्रेफर एक्स्टर. तो आई थिंक ओवरऑल इन इंटीरियर एक्स्टर इज़ बेटर. सो एक्सटीरियर एक ही एरिया है जहाँ पर फ्रॉन्क्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और बहुत बेटर है, बट कलर ऑप्शन ट्रिम्स और इंटीरियर में एक्स्टर विन होता है. सो डिज़ाइन इज़ फॉर एक्स्टर. सो अकॉर्डिंग टू मी एक्स्टर विन्स ओवरऑल डिज़ाइन, इंटीरियर एक्सटीरियर ट्रिम्स कलर ऑप्शंस. सो फीचर्स भी इंक्लूड किया मैंने डिज़ाइन के साथ, तो दिस इज़ वेयर एक्स्टर परफॉर्म्स बेटर. सो बोथ हैव स्कोर्ड इक्वल. अब बात करते हैं पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के बारे में. पोस्ट परचेस में दोनों कार्स अच्छे हैं. दोनों फर्स्ट फ्री ओनरशिप आपको ऑफर करते हैं. आप कार खरीदने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे कि भाई कैसे सर्विस ऑफर कर रहे हैं. दोनों ब्रांड्स अच्छे सर्विस ऑफर करते हैं. दोनों के अच्छे एक्सटेंशन प्लान है, अच्छा कवरेज मिलता है. जैसे आपके छोटे मोटे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, ब्रेक पैड्स, वाइपर्स, वो उन्हें रिप्लेस करके देता है. उनके शील्ड ऑफ ट्रस्ट में नेक्सा तो जाना जाता है उनके रीसेल के लिए एंड उनके सर्विस क्वालिटी के लिए. तो हाउ टू डिसाइड कि आपको किसके तरफ जाना चाहिए. देखिए, नेक्सा के कार में आपको रीसेल भी बहुत अच्छा मिलेगा, ओके. बट बात यह है कि आज के टाइम में बहुत लोग एसयूवी की तरफ जाना चाहते हैं एंड एक्स्टर इज किलिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेल्स. सो आप आपके घर के पास जाओ, डीलरशिप पे बात करो, उनके सर्विस सेंटर पे जाओ और वहाँ पे कस्टमर से बात करो. जहाँ आपके घर के पास दोनों में बेटर कहाँ आपको ठीक लगा वहाँ पे आप जाके खरीद लो. पोस्ट परचेज में मैं नेक्सा स्लाइटली बेटर रेट करूँगा बिकॉज यू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एट नेक्सा एवरी टाइम. हुंडई के अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हुंडई में मैंने थोड़ा पॉइंट्स प्रॉब्लम फेस किया, वेरी रेयर, ठीक है. मुझे नहीं लगता किसी को होगा ये प्रॉब्लम. बट अगर मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा नेक्सा को, देन आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10 फॉर हुंडई. तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि सर्विस में आपको बेटर कहाँ मिलेगा. अब वर्डिक्ट की बात करते हैं. दोनों हैव स्कोर्ड इक्वल पॉइंट्स, ठीक है. इंजन मारुति, कंफर्ट एक्स्टर, डायनामिक्स अगेन फ्रॉन्क्स, फिर डिज़ाइन में अगेन एक्स्टर. पोस्ट परचेज बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल.
तो विच कार यू शुड गो फॉर, दैट इज अ कन्फ्यूजन। मुझे आप पूछते हो मेरे पास अगर 10 लाख का बजट है आई विल गो फॉर फ्रॉन्क्स। अगर मुझे सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ तो दोनों आर नॉट गुड कार्स, बिकॉज इवन एक्स्टर का भी रेटिंग नहीं आया है। अगर रेटिंग आएगा, इफ इट्स एक्स्टर स्कोर्स हाई, देन प्रॉबेबली एक्स्टर की तरफ जाना मेक सेंस। बट फॉर नाउ इस टाइम पे फ्रॉन्क्स से बिगर कार, अब जब अंदर बैठते हो आपको प्रीमियम फील होता है, नेक्स्ट सेगमेंट का कार है, वाइडर है, स्पेशियस है, पीछे बैठने वालों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल कार है, इट जस्ट फील्स मोर प्रीमियम। आपको फील होता है अंदर बैठने के बाद कि आप कोई नेक्स्ट सेगमेंट की कार में बैठे हो। एक्स्टर बहुत कॉम्पैक्ट लगता है, बहुत छोटा सा कार है, एंड ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो। लॉन्ग ड्राइव पर जाना है इट्स ओके, बट इफ यू सारे पूरा आपका फैमिली बैठा है देन यू कैन फील दैट ये थोड़ा सा क्लटर्ड है, थोड़ा सा कंबरसम लगेगा आपको, तो वो स्पेशियस वाला फील आपको लगेगा फ्रॉन्क्स में। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर 10 लाख का मेरे पास बजट होता, आई एम नॉट थिंक अबाउट सेफ्टी, आई वुड गो फॉर फ्रॉन्क्स। इट्स अ मोर वैल्यू फॉर मनी बाइक, क्योंकि आप फीचर्स के बारे में सोच रहे हो ना, तो फीचर्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो मे बी एक्सटर्नल मेक यू फील गुड, एट द एंड ऑफ द डे वो स्पेस, वो सेंस ऑफ स्पेस, वो सेंस ऑफ कम्फर्ट जब आप बैठते हो, दैट मैटर्स अ लॉट एज वेल। बट नाउ मुझे ड्राइविंग से ज़रूरी है फीचर्स, मुझे सनरूफ चाहिए, मुझे फील गुड वाले फीचर्स चाहिए, यू नो द आंसर विच वन इज़ बेटर। सो नाउ यू डिसाइड कि आपको कौन से कार की तरफ जाना चाहिए। माई पिक इज द फ्रॉन्क्स फॉर इट्स सेंस ऑफ स्पेस एंड कम्फर्ट एंड प्रीमियम फीचर्स, क्योंकि इट्स ए नेक्स्ट सेगमेंट का कार, दैट इज बलिनो पे बेस्ड है, एंड एक्स्टर क्लियरली फील्स लाइक इट इज बेस्ड ऑन ग्रैंड आई10 नियोस। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है इंस्टाग्राम में पूछिए, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपसे मिलूंगा मैं। टिल देन टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स, बाय बाय। एंड दिस वीडियो एज पर योर डिमांड मैंने बनाया है, सो आप जो भी कुछ भी डिमांड करते हो, आई डू माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दैट। प्लीज आपकी डिमांड कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, आई विल कवर इट अप इन द कमिंग डेज। टेक केयर।